और बल के आगे झुकते थे भगवान भी, जिसके तप और बल के आगे झुकते थे भगवान भी। सुनो सुनाऊं तुम्हें कहानी एक ऐसे बलवान की, जिसके तप और बल के आगे झुकते थे भगवान भी, जिसके तप और बल के आगे झुकते थे भगवान भी। आओ सुनाओ तुम्हें कहानी एक ऐसे बलवान की, जिसके तप और बल के आगे झुकते थे भगवान। बल के आगे झुकते थे भगवान भी। आओ सुनाओ तुम्हें कहानी एक ऐसे बलवान की, जिसके तप और बल के आगे झुकते थे भगवान। और बल के आगे झुकते थे भगवान भी। आओ सुनाओ तुम्हें कहानी एक ऐसे बलवान की, जिसके तप और बल के आगे झुकते थे भगवान। इंद्रदेव को जीत के
शिवलिंग को उसने फिर एक चरवाहे को पकड़ाया, बोला हाथ में ही रखना, इस रावण ने समझाया। भार बढ़ा जब शिवलिंग का तो हुई उसे हैरानगी। आओ सुनाऊं तुम्हें कहानी एक ऐसे बलवान की, जिसके तप और बल के आगे झुकते थे भगवान भी। आओ सुनाऊं तुम्हें कहानी एक ऐसे बलवान की, जिसके तप और बल के आगे झुकते थे भगवान भी। शिवलिंग भारी चरवाहा घबराया, गोद से शिवलिंग को उतार के धरती पर बैठाया। हुआ अचानक शिवलिंग भारी चरवाहा घबराया, गोद से शिवलिंग को उतार के धरती पर। लौट के आया जब रावण को देख दृश्य चतराया, क्रोध में आकर चरवाहे पर जोर जोर चिल्लाया। डर कर भागा चरवाहा, उसे चिंता थी अपने प्राण की। आओ सुनाऊं तुम्हें कहानी एक ऐसे बलवान की, जिसके तप और बल के आगे झुकते थे भगवान भी। आओ सुनाऊं तुम्हें कहानी एक ऐसे बलवान की, जिसके तप और बल के आगे झुकते थे भगवान भी। कोशिशें किया मगर वो शिवलिंग उठा न पाया, क्रोधित होकर अपने अंगूठे से शिवलिंग को दबाया। लाख कोशिशें किया मगर वो शिवलिंग उठा न पाया, क्रोधित होकर अपने अंगूठे से शिवलिंग को दबाया। काशी के वासी ने अपना ऐसा खेल रचाया, अहंकारी रावण को लंका खाली हाथ लौटाया। कुंदन बात यहाँ थी खुद शिव भोले के सम्मान की, आओ सुनाऊं तुम्हें कहानी एक ऐसे बलवान की, जिसके तप और बल के आगे झुकते थे भगवान भी। आओ सुनाऊं तुम्हें कहानी एक ऐसे बलवान की, जिसके तप और बल के